हाँ मास्टर, कॉम्बैट को आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आप विड्रॉल सेक्शन में आइएगा, ईयर ड्रॉप वाले में जाकर, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका शो कर देगा। पहला है कि EBI एक्सचेंज जो भी आपने ऐड किया होगा, इसे जैसे ही ओपन करेंगे तो नीचे आपका एक ऑफ चेन डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे ही आप उस पर टच करेंगे तो जो EBI एक्सचेंज की जो वेबसाइट है वो आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। फिर जिस भी वैलेट को कनेक्ट करके आपने अपना EBI अकाउंट क्रिएट किया हुआ था, ठीक, उसको वहाँ पे उस वैलेट को कनेक्ट करके आप वहाँ पे अपने EBI एक्सचेंज पे लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपका EBI एक्सचेंज लॉग आउट हो चुका होगा या साइन आउट हो चुका होगा तो आप साइन इन या लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से जाके भी ट्राई कर सकते हैं, या जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि EBI एक्सचेंज कमिंग सून वेट अ बिट, इनके जो ऑफिशियल न्यूज है उसके अनुसार यहाँ पे एक क्लेम का ऑप्शन शो करना चाहिए या करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन शो करे, इस क्लेम पे आप टच कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपने EBI एक्सचेंज वेबसाइट को आप ओपन कर लीजिएगा। चलिए हम उसे ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ से EBI एक्सचेंज वेबसाइट को ओपन कर लिया। फिर राइट साइड के कॉर्नर पे जो तीन लाइन है इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ से आप अकाउंट में आइएगा। अकाउंट में आने के बाद अगर आपका हैमस्टर टोकन आ गया होगा तो आप पोजीशन वाले, जो यहाँ पे ऊपर पोजीशन वाला ऑप्शन है, इसी में वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। या जो नीचे लिखा हुआ है कि मार्केट, इस पर टच कीजिएगा तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन होंगे। इसको ऊपर तब स्लाइड करके, ठीक, यहाँ पे आपका हैमस्टर USDT लिखा हुआ है, इस पर टच करके कर देंगे तो जो बस हैमस्टर होगा वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इस प्रकार से, या एक यहाँ पे हैमस्टर स्पॉट है, इसको भी टच करके देख सकते हैं कि हाँ आप में आया है कि नहीं, या फिर यहाँ पे हैमस्टर डैश स्पॉट करके एक है, इसको भी देख के चूज करके देख सकते हैं कि आया कि नहीं आया, ठीक। यह तो पहला तरीका हुआ चेक करने का कि आपके EBI में हैमस्टर टोकन आया कि नहीं। दूसरा तरीका यह है कि राइट साइड के कोने पे जो तीन लाइन है फिर से इस पर टच कीजिएगा, फिर ट्रेड पे आइएगा। ट्रेड में आने के बाद जहाँ पे BTC और USDT लिखा हुआ है इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद इसको ऊपर तब स्लाइड कीजिएगा। स्लाइड करने के बाद यहाँ पे लिखा है कि हैमस्टर स्पॉट USDT का पेयर है, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद, ठीक है, इस प्रकार से आपका यह यहाँ पर चूज हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा है सेल, इस सेल पर आप टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ से अगर आप सेल करना चाहते हैं, अगर आपका हैमस्टर कॉम्बैट टोकन आ चुका है, तो यहाँ पे आकर इसको मैक्सिमम 100% करके आप सेल पर टच करके सेल कर सकते हैं। यहाँ पर भी जहाँ पर ये हैमस्टर स्पॉट लिखा हुआ है, अगर आपका हैमस्टर टोकन यहाँ पे आ चुका होगा तो यहाँ से भी आपको दिख जाएगा, ठीक है, कि हाँ आपके कितने हैमस्टर टोकन्स आए हुए हैं। और जब इसे आप सेल करेंगे तो नीचे जो कॉस्ट मार्जिन है USDT में कि कितना आपको चार्ज लगेगा वो दिख जाएगा। फिर मैक्स है कि आपने कितना यहाँ पे हैमस्टर टोकन को यहाँ पे सेल करने के लिए आप लगा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे करनी है तो वीडियो का कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम एक एग्जांपल के साथ आपको ट्रेडिंग करके हम आपको बता देंगे, ठीक है। जो भी इनका ऑफिशियल है उसके अनुसार जो हैमस्टर EBI एक्सचेंज पे जो मेंटेनेंस चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है और इनकी साइट अब ओके काम कर रही है, ठीक है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों का, यहाँ तक कि हमारा भी हैमस्टर जो टोकन है यहाँ पर डिपॉजिट नहीं हुआ है। अगर आपका डिपॉजिट हो जाता है तो इसी प्रकार से आप चेक कीजिएगा, इसी प्रकार से आप ट्रेड करके उसे USDT में कन्वर्ट करके आप जहाँ कहीं भी विड्रॉल करना चाहें कर सकते हैं। आने वाला टाइम में हम विड्रॉल कैसे करना है उस पर भी एक लाइव आपको वीडियो बना के हम आपको बता देंगे। उम्मीद है कि अब आप जान चुके हैं कि EBI एक्सचेंज पे आपको अपना हैमस्टर जो टोकन है उसे कैसे देखना है।
या हैमस्टर कॉम्बैट ऐप के यहाँ से कैसे आपको हैमस्टर टोकन्स को क्लेम करना है एपीआई एक्सचेंज के लिए। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो का कमेंट उसका कमेंट कर सकते हैं। वीडियो जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जो प्रेस कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।